पड़ोसी देश नेपाल में बाघों की दहाड़ एक बार फिर से गूंजने लगी है। खूबसूरत हिमालय की गोद में बसा ये छोटा सा देश बाघों की सुरक्षा पर काफी ध्यान दे रहा है। बीते एक दशक में नेपाल में हुई बाघों की संख्या दोगुनी हो गई है। आइए जानते हैं नेपाल ने ऐसा क्या किया और साथ ही बाघों के इलाके में रह रहे लोगों के लिए इस इलाके के मायने क्या हैं। दरअसल पिछले 10 सालों में यहां बाघों की संख्या दोगुनी से ज्यादा का इजाफा हुआ है, जो कि बाघों को विलुप्त होने की कगार से वापस लाने में एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। जी हाँ, नेपाल में इस कामयाबी के पीछे एक बड़ी वजह अवैध शिकार पर कड़ी कार्रवाई से निपटना है। बकायदा इसके लिए हथियारबंद यूनिट भी हैं। इलाके के लगातार गश्त लगते हैं और अगर कोई शिकारी मिल जाए तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है। नेपाल से ये खबर आना एक बड़ी खुशखबरी है। वो क्यों, तो इसे भी समझ लीजिए, क्योंकि दुनिया के लिए बाघों को बचाना कितनी बड़ी चुनौती है इससे आप और हम वाकिफ हैं, क्योंकि जंगल में बदलाव के चलते बाघों की संख्या दुनिया भर में महज 4000 से भी कम है। नेपाल के बर्दिया नेशनल पार्क में बेहद सुधार देखने को मिल रहा है। यहाँ सैकड़ों हिडन कैमरे लगाए गए हैं बाघों की गिनती के लिए। अब सवाल ये उठता है कि वीडियो और तस्वीरों की मदद से कैसे पता लगाया जा सकता है कि इनकी गिनती सही है। तो ठहरिए, हम आपको इसका जवाब भी दे देते हैं। जैसे सभी इंसानों की उंगलियों के निशान अलग अलग होते हैं, ठीक उसी तरह बाघों के शरीर की धारियां भी एक दूसरे से बिल्कुल जुदा होती हैं और इसी के आधार पर ही इनकी पहचान और गिनती होती है। हालांकि इनमें कोई शक नहीं कि बाघों की संख्या में बढ़ोतरी होना खुशी की बात है, लेकिन इंसानी बस्ती वाले कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां बाघों और दूसरे शिकारी दोनों रहते हैं। यहां रहने वाले परिवार इन शिकारी जानवरों के चलते अपने को भी खोना पड़ता है। लोगों को डर है कि आने वाले वक्त में इस तरह की घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं और ना जाने कितने और परिवार अपने आप को खो दें। आपको बता दें कि जब कोई बाघ इंसानों को मारता है तो उसे ढूंढकर सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, यानी कि पिंजरे में। यहाँ 7 बाघों को सलाखों के भीतर रखा गया। बहरहाल नेपाल का कदम सराहनीय है। इसी तरह अगर सभी दुनिया से विलुप्त हो रहे जीवों को बचाने की कोशिश करें तो धरती से इन जानवरों का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होगा और ये जानवर सिर्फ बच्चों की किताबों तक सीमित नहीं होंगे, वो हमारे बीच ही होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।